वो भी मांग आपको क्या लग रहा है बीजेपी जीतेगी? नहीं, हम तो आपसे पूछने के लिए आप कहलवा रहे हैं थी। नहीं हम तो मेरा तो सवाल नहीं, आप नहीं देखिए भाजपा की नहीं बसपा क्या है और जमानत नहीं बचा पाएंगे। जमानत अखिलेश के अलावा कोई पार्टी नहीं है। आप चार विधानसभा सीटें किसके पास जा रहे हैं? यहाँ से क्लीन स्वीप होगा। नमस्कार, हम पहुंच गए हैं करहल में, यानी मैनपुरी में। करहल वो विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने एसपी बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। करहल के नतीजे क्या होंगे ये यहां की जनता बताएगी। ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि यहां का माहौल क्या है। यहां कुछ लोग हैं इस वक्त में बाल काटने की दुकान के सामने खड़ी हूँ। लिखा है सत्येंद्र कटिंग सलून, तो बड़ा पुराना सा सलून है। मुझे लग रहा है कि ये सलून कई सालों पुराना होगा। सत्येंद्र भैया कौन है भैया? हाँ नमस्कार भैया, नाम क्या है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र, कितने साल पुरानी दुकान है तुम्हारी? पाँच साल पुरानी दुकान है। काम धंधा ठीक चल रहा? धीरे धीरे काटना, बात करते करते उनकी आधी दाढ़ी उड़ाना दे, आधी मूछ मतलब। ठीक है। अच्छा, यहाँ माहौल किसका लग रहा है सत्येंद्र तुमको? सपा को बाल कटवाने आए हो? बिल्कुल। आपके बाल तो ठीक है भैया, और कटवा देने के ज्यादा है। बाल इसलिए कटाने आए हैं कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, इसलिए। अच्छा जी, तो बाल अभी से कटवाने? हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 10 तारीख को राज्य पूरा मुंडवाना पड़ जाए। क्यों मुंडना पड़ेगा? मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा जो है आपका मामला नहीं, सरकार जिसे कहते हैं 300+ सीटें आ रही है पूर्व बहुमत से। पूर्व बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और एसपी बघेल का क्या होगा? जमानत जब्त होगी और यहाँ से कानाओं दिखाई नहीं देंगे। अभी उस दिन वहाँ गाली गलौज कर रहे थे उस कानाओं जनता को अपनी मीटिंग लेके, और वहाँ गाड़ियों रास्ता में जाम होने की हटाओ तो गाली दे रहे थे। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। क्यों? अच्छा, तो छोटे जो चुनाव लड़ रहे हो जनता को गाली दे रहे और छोटी बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है बीजेपी जीतेगी? हम तो आपसे पूछने के लिए। आप कहलवा रहे हैं बीजेपी? हम तो मेरा तो सवाल है। नहीं देखिए भाजपा की नहीं बसपा क्या है और जमानत नहीं बचा पाएंगे। जमानत जब होगी जमानत। अखिलेश के अलावा कोई पार्टी नहीं है। मेरा सवाल है, तो मेरा सवाल है बाबूजी, अब हम आपसे एक ही पार्टी का सवाल करेंगे तो लोग हमको गलत बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपको महसूस हुआ कि बीजेपी बात कर रही है? अच्छा, सपा की बात करें? सपा किस मुद्दे पे आ रही है यहाँ पे? सारे मुद्दे सपे के सिंचाई माफ की और ये एम्बुलेंस उन्होंने चलाई, 100 नंबर मुलायम अखिलेश चलाई। बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया योगी ने? लोगों को राशन दिया, राशन क्या? 2 किलो राशन नहीं, 2 किलो राशन मिल गया। उसके बाद मेरी सुनिए सर, 2 किलो गेहूँ से और 10 क्विंटल गैया खा लेती है, इन लोगों का ये 2 किलो गेहूँ से पूर्ति बढ़ जाएगी, आप बढ़ जाएगी। जो नमक आज आया है क्या मोदी खा लेंगे, योगी खा लेंगे? नहीं, लोग कह रहे नमक का कर्ज चुका। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी मेरे पास अच्छी, मेरे घर में चाहो तो हम दे देंगे उस नमक को। अगर योगी और मोदी खा लें तो अच्छी बात है, मैं भी खा लूंगा। आपके करहल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? करहल का मुद्दा क्या? जनता खुद चाहती है अखिलेश को, विकास वो करेंगे। अच्छा, पारंपरिक सीट है इस वजह से मैं बार बार दुनिया में होती है, कोई कोई होगा ही। हमारा मोदी जी है या योगी जी, योगी गाँव नहीं है। अपने विकास करें, अपनी इच्छा से उसको अच्छा करें, अच्छी बात है। अच्छा, एसपी बघेल का क्या होगा? क्या होगा? दाल रोटी खाएंगे और क्या होगा? घर पर रहेंगे, बाले बच्चे खिलाएंगे, नाती नाते खिलाएंगे, और क्या करेंगे? वो भी सपा ने एक सांसद कर दिया था, उनको उसके बाद कर नहीं हो पाए। नहीं, बीजेपी कहती है कि हम जब सरकार में आए तो गुंडे माफिया सब, अरे वो आ रहा यूपी छोड़कर भाग गए। बीजेपी में गुंडे थे, सपा में भी थे और इसमें भी है और बसपा में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गुंडे नहीं कहीं चले जाएंगे, वो तो इंसान है, सब रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं बाबूजी, किश्मी और ये करहल और क्या मैनपुरी और भोगांव, ये 4 बीजेपी के पास है। ये थी अग्नोत्री पास थी, हाँ, अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अच्छा, तो बाहर भी तमाम लोग हैं और मैं सत्येंद्र भैया के सैलून के सामने खड़ी हूँ। यहाँ पे तमाम लोग जुड़ गए हैं, बाबूजी तो वीडियो भी बना रहे हैं। जी जी। क्या लग रहा है इस बार जो है आप लोगों ने क्या सोच रखा है? दादा इधर देखो, इधर दादा, इधर इधर इधर, आप मत बनाओ, हम बना रहे हैं, आप वहाँ देख लेना, ठीक है?
देखिए इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करहल से चुनाव लड़ने आए, ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मतलब क्या है कि आप सपा से हो क्या? जी बिल्कुल, हम यहाँ एक नहीं जितनी जनता यहाँ दिखाई देगी आपको 99% समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता दिखाई देंगे पूरे। अच्छा, करहल में आप चले जाइए। भाई अखिलेश यादव की विधानसभा सीट है, इसी सीट से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके सामने SP बघेल है, चुनौती तो बहुत बड़ी है। कोई चुनौती नहीं है, ये हमारे यहाँ पैरासूट से प्रत्याशी यहाँ उतारे गए हैं। हमारी बीजेपी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूरे करहल में एक प्रत्याशी ऐसा नहीं बना पाया जो यहाँ से चुनाव लड़ लेता। ये पैरासूट प्रत्याशी यहाँ उतारे गए हैं, कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी हमारे घर के हैं, अगर सैपई उनका घर है तो करहल आंगन है, और घर और आंगन मिलके काम करते हैं। अखिलेश जी ने करहल में एक्सप्रेस वे लेके रिम्स हॉस्पिटल कहते हैं कि हमने तो कन्नौज से डिंपल यादव जी को एक बार हरा दिया था। देखिए ये केवल उनका वोट बांटने का तरीका है हराने का। अरे आपने हराया है तो आपने जीता कौन सा है? अच्छे जी के खिलाफ वो हारे, डिंपल जी के खिलाफ वो हारे। SP बघेल जी कहते हैं कि हमने कुछ समय पहले कन्नौज से डिंपल यादव जी को कुछ वोटों से रह गए थे डिंपल यादव। अरे वो कौन होते हैं डिंपल जी को हराने वाले? उनकी तो जमीन से उनको जो आज पहुंचाया वो समाजवादी पार्टी की देन है। तो तगड़ी मात दे सकते हैं, कुछ नहीं दे। अच्छा यादव ने उनको हराया, डिंपल जी ने उनको हराया, अखिलेश जी ने उनको हराया। आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब जब चुनाव लड़े तब तब आप हारे, अगर जीते हैं तो समाजवादी पार्टी की वजह से जीते हैं। अच्छा करहल का कितना विकास हुआ मैं ये जानना चाहती हूँ। करहल में बहुत विकास हुआ है। आप लोगों के पास 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 1 भाजपा के विधायक हैं। मैं पूरा ओवर आपका पहले नाम बताओ, इधर आ जाइए नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है। नरेंद्र सिंह यादव जी, जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके करहल को कितना बदल दिया है भैया? करहल को 2017 से 2022 करहल में जब जब बदला हुआ है वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही हुआ। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने यहाँ विद्यालयों की व्यवस्था बहुत की है, ग्रामीण में विद्यालय खोले हैं, सड़कों से ग्रामों को जोड़ा है, गरीबों को रोजगार देने की पूरी भरपूर कोशिश की है समाजवादी पार्टी। यहाँ ऐसे हमारा कार्यकर्ता ऐसे काम कर रहा है जैसे विधायक बनाते हैं मुख्यमंत्री को, तो यहाँ का जो वोटर है वो अपने को ये महसूस कर रहा है कि मैं यहाँ विधायक हूँ, ये विधायक मान करके वोटर अपने आप को विधायक मान रहा है। हाँ, वो मुख्यमंत्री का चुन रहा है पूरा, उसने कह दिया समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो गया वोटर, सारे का सारा वोटर जो है वो कार्यकर्ता का बनवाया है। मैडम समाजवादी पार्टी ने जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनवाया है, यहाँ आसपास के कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा शायद किसी मुख्यमंत्री लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बड़ी, आप आगे आइए लोग, आपका नाम क्या है? रमेश सिंह। कमलेश सिंह जी, रमेश, हाँ जी, सुनाई कम दे रहा, बड़ा शोर है। लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी ने बड़ी आसान सीट चुन ली और इस बार तो है अखिलेश जी जानबूझ करके करहल से लड़ रहे हैं क्योंकि और कहीं दावेदारी नहीं दे सकते थे या टक्कर नहीं दे सकते थे। ऐसी बात नहीं है। हाँ। वो योगी जी से पहले चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हाँ। तो यहाँ पर पहले है और गोरखपुर में बाद में, इसलिए उन्होंने पहले ये सीट चुनी। इस वक्त मैं अखिलेश बार बार बता रही हूँ कि अखिलेश यादव जी की विधानसभा सीट पर हूँ और सलून के सामने खड़ी हूँ। बाल काटने वाले भैया है वहाँ पर सतेंद्र जी और उनके साथ तमाम लोग हैं जो बाल कटाने के लिए आए हैं। यहाँ पर एकदम आम राय लोगों की ले रहे हैं, है ना? सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेके वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं कि मैंने 5 साल पहले क्या कराया था। लेकिन इस सरकार में बीजेपी सरकार अभी तक अपने 5 साल के कार्यकाल को लेके वोट नहीं मांग रही है। युवा के बाद बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं युवा, क्योंकि बीजेपी के राज में ना तो रोजगार मिला है, बहुमत में बीजेपी आई, सब और जितने सर्वे हैं सब कह रहे हैं भाजपा आ रही है। नहीं नहीं आ रही भाजपा, सपा आने वाली है, बहुमत से अखिलेश भैया आएंगे और अच्छा उनका शासन चलेगा। भैया सर्वे तो भाजपा को जिता रहे हैं। मैडम सर्वे तो जब भी आए हैं तभी झूठे साबित हुए हैं, जब जब सर्वे आए हैं मीडिया नहीं जिताएगी, मीडिया तो मोदी की है। मैडम सर्वे तो मीडिया तो मोदी के, सारे चैनल मोदी के, हम लोग तो वोटर हैं, वोट देंगे, वोट साइकिल में। ये तो मोदी योगी मीडिया से नहीं जीतेंगे, टीवी चैनल से नहीं जीतेंगे, किसी से नहीं जीतेंगे। मैडम आप कह दो भाजपा जीत रही है, कह दो ठीक है नहीं जीत रही है, साइकिल जीतेगी, साइकिल चलेगा। बंगाल में जो भी सर्वे आए, बंगाल में जितने भी सर्वे आए बंगाल के चुनाव में, वो सारे सर्वे धाराशाही हुए। जो भी गोदी मीडिया है सभी के जो भी सर्वे आए, एग्जिट पोल आए, टोटली बंगाल के अलावा एक उदाहरण इधर उधर धूप है बेटा, जी जी जी, बंगाल के अलावा एक उदाहरण बिहार भी है मेरे भाई, जीतते जीतते हार गए।
जीतते जीतते इसलिए हार गए क्योंकि इनकी जो सियासी जमीन है वो खिसक गई थी। जमीन पर इसका कुछ नहीं है। जो राम राज्य स्थापित करने की बात कर रहे थे, जो ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आम जनता समझ चुकी है। अब सब कुछ सारी जनता के सामने आईने की तरह आ गया है। इनकी जो जाति और धर्म की जो राजनीति है पूरे तरीके से उसकी पोल पट्टी खुल गई है। तो इस बार चार विधानसभा सीटें किसके पास जा रहे हैं? यहाँ से क्लीन स्वीप होगा, यहाँ से क्लीन स्वीप होगा। एकदम क्लियर बताना, देखो मुद्दों की बात, क्योंकि 2017 में तो बीजेपी के पास गई, तीन विधानसभा कर है किसने और एक और आपने अभी एक बंदे से भी पूछा कि परंपरागत वोट बैंक है उसका भी यहाँ वजूद है और यहाँ पर मुद्दों पे भी बातचीत होगी। बीजेपी इस वक्त मैं भाई लोगों से यही जानने के लिए आई हूँ, करहल में बस एंट्री कर पाई हूँ और जस्ट मेरे बगल में मुझे ये सलून दिखा, अखिलेश यादव जी की विधानसभा सीट है करहल। करहल क्या करने वाला है इस बार, क्या चमत्कार करेगा या बदलाव करेगा या कुछ नया होगा? समाजवादी पार्टी का नारा कि ये नई हवा है, नई सपा है, तो हवा यहाँ किसकी है वो पूछने के लिए आए थे। भाजपा से एसपी बघेल जी अखिलेश यादव जी को टक्कर दे रहे हैं, जीतेगा कौन ये तो 10 मार्च का नतीजा बताएगा, लेकिन लहर लहर जिसकी है वो यहाँ के लोग बताएंगे। हम यहाँ की छोटी छोटी गलियों में जाकर आपको दिखाएंगे कि करहल में क्या होने वाला है, अखिलेश यादव जी की विधानसभा सीट में क्या कमाल होगा, हम आपको ग्राउंड से दिखाएंगे।